सो इस पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं कि आपके स्नोफ्लेक्स में कैसे आप डेटाबेसेस को क्रिएट करते हैं और कैसे टेबल्स को क्रिएट करते हैं। जैसे कि अभी तक तो आप लोगों को पता चल चुका होगा कि आप दो तरह से ये काम कर सकते हैं, एक तो इंटरफेस को यूज़ करके और दूसरा जो वर्कशीट पे कोडिंग यहाँ पे लिख करके। तो सबसे पहले हम लोग जो यूज़ करने वाले हैं वो है इंटरफेस को यूज़ करके। ओके, सो डेटाबेसेस यहाँ पे है, डेटाबेसेस पे आप क्लिक कीजिएगा। डेटाबेसेस पे क्लिक करते ही यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको ऑलरेडी दो डेटाबेसेस मिल चुकी है। ये सैंपल डेटाबेसेस है, लेकिन हमें खुद का डेटाबेस बनाना है, तो यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कीजिए। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आपको अपना डेटाबेस का नाम देना है। सो मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ फर्स्ट डेटाबेस। ओके, फर्स्ट डेटाबेस। कमिट मैं कुछ भी नहीं दे रहा हूँ। यहाँ पे एसक्यूएल स्टेटमेंट भी देखे, क्रिएट डेटाबेस नेम यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, सो यहाँ पे मैं फिनिश पे क्लिक करता हूँ। फिनिश पे क्लिक करते हैं यहाँ पे देखिए फर्स्ट डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ओके, सो आपने जैसे कि देखा कि जो है कैसे डेटाबेसेस को क्रिएट किया जा रहा है, और अगर आप कोडिंग के हिसाब से चलना चाहते हैं सो आपको ये भी पता है अच्छे से कि कोडिंग ये ऑटोमेटिकली लिखते हैं। सो क्रिएट डेटाबेस और फिर डेटाबेस का नाम ऐसे करके लिखा जाता है। ओके, सो कोडिंग को अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे वर्कशीट पे क्लिक कीजिएगा, और वर्कशीट पे यहाँ पे आप कोड लिख सकते हैं। कोड क्या है, क्रिएट डेटाबेस और फिर डेटाबेस का नाम, उसके बाद फिर आपको यहाँ पे सेमी कॉलन देना है, और फिर यहाँ पे रन कर रहा हूँ। रन करने पे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अच्छा, हाँ। सो यहाँ पे मैं रन करता हूँ। रन करने पे यहाँ पे दिखा रहा है कि सेकेंड डेटाबेस जो है वो सक्सेसफुली क्रिएटेड हो चुका है। तो चेक करता हूँ मैं डेटाबेसेस पे, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देख सकता हूँ मैं कि फर्स्ट डेटाबेस जो कि इंटरफेस को यूज़ करके किया गया है, बनाया गया, वो बन चुका है, और सेकेंड डेटाबेस जो आपके वर्कशीट में कोड लिख के किया गया है वो भी बन चुका है। ओके, सो इस तरह से आप डेटाबेसेस क्रिएट कर सकते हैं, और अब डेटाबेसेस के अंदर आपको टेबल्स भी क्रिएट करना है। तो चलिए देखते हैं कि टेबल्स आप कैसे क्रिएट कीजिएगा। सो आप लोगों को पता है कि टेबल्स क्रिएट करने के लिए आप लोग को डेटाबेसेस के अंदर ही टेबल्स क्रिएट करने होते हैं। सो आप यहाँ पर फर्स्ट डेटाबेस और सेकंड डेटाबेस जो भी आपको पसंद आए, कोई भी एक डेटाबेस पे मैं फर्स्ट यूज़ कर रहा हूँ। फर्स्ट डेटाबेस के अंदर मैं टेबल क्रिएट कर रहा हूँ। फर्स्ट डेटाबेस के ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये उसके अंदर के इंटरफेस पे मैं आ चुका हूँ। इंटरफेस पे आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि यहाँ पे टेबल्स क्रिएट करने का ऑप्शंस है। आप यहाँ पे टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। टेबल्स नेम क्या देना चाहते हैं, तो मैं टेबल्स का नेम देना चाहता हूँ कस्टमर। ओके, ये कस्टमर टेबल होगा, और यहाँ पे स्कीमास आपको सेट करना है। स्कीमा मतलब कि कौन कौन इसे एक्सेस कर सकता है इस टेबल को, तो इस पब्लिक ही मैं सेट कर रहा हूँ। कमेंट पे आप कुछ भी दे सकते हैं, हैव अ नाइस डे टाइप्स। ओके, ये मैंने कमेंट दे दिया, और फिर उसके बाद यहाँ पे आपको कॉलम्स ऐड करने हैं। सबसे पहला कॉलम रहेगा कस्टमर नंबर रहेगा, और कस्टमर नंबर आपको पता है कि ये आपका होगा इंटीजर टाइप, और ये आपका नॉट नल रहेगा। ओके, उसके बाद फिर ऐड करेंगे कस्टमर नेम, यहाँ पे चूज करना है कस्टमर नेम, और ये आपका रहेगा, यहाँ पे आपको सेट करना है ये स्ट्रिंग टाइप रहेगा। ओके, नॉट नल दोनों रहेगा, और फिर फिनिश पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एसक्यूएल स्टेटमेंट आपका क्या है। ओके, सो एसक्यूएल स्टेटमेंट भी आप देख सकते हैं, और फिर फिनिश पे आप क्लिक कर रहे हैं। फिनिश पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपका जो है कस्टमर टेबल क्रिएट हो चुका है, और यही काम आप जो है वर्कशीट पे जाके भी कर सकते हैं। वर्कशीट पे आप यहाँ पे कोडिंग आपको लिखना है, आप यहाँ पे कौन सा टेबल बनाना चाहते हैं। ओके, सो ये है आपका क्रिएट टेबल। फर्स्ट डेटाबेस के अंदर में पब्लिक के अंदर आपको कस्टमर टेबल जो मैंने बनाया था, ये सेकेंड कस्टमर टू मैं कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपके टेबल्स के नेम आपके जो जो रहेंगे, कस्टमर नंबर ये इंटीजर रहेगा, उसके फिर आप कस्टमर नेल ये रहेगा। सो यहाँ पे टेबल्स में आपके दो दो डेटा से दो आपके कॉलम से, एक है कस्टमर नंबर और दूसरा है कस्टमर नेम। ओके, कस्टमर नंबर जो कि इंटीजर मैंने सेट किया है क्योंकि एक नंबर है, और कस्टमर टेबल ये स्ट्रिंग टाइप है, और दोनों मैंने नॉट नल सेट किया है। उसके फिर यहाँ पे कोड में रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि कस्टमर टू टेबल जो है सक्सेसफुली क्रिएटेड हो चुका है। आइए आगे चेक करते हैं। यहाँ पे आपका आ जाना चाहिए स्नोफ्लेक्स के अंदर डेटाबेसेस में। यहाँ पे चेक कर ले रहा हूँ डेटाबेसेस कस्टमर के
के अंदर में देखिए यहाँ पे दोनों टेबल्स दिख रहे हैं। फर्स्ट डेटाबेस यहाँ पे है, फर्स्ट डेटाबेस के अंदर दोनों का दोनों टेबल क्रिएट हो चुका है। कमेंट हमने दोनों में हैव अ नाइस डे दिया हुआ था, तो ये आ चुका है। सो इस टाइप से आप किसी भी टेबल को क्रिएट कर सकते हैं डेटाबेस के अंदर ही। अगर आपको कोई भी टेबल को डिलीट करना है तो फिर वही है आपका, इस पर क्लिक करना है और फिर ड्रॉप पे क्लिक करना है। सपोज कि मैं ये वाला टेबल को डिलीट करना चाहता हूँ तो ड्रॉप पे मैं क्लिक करता हूँ, ड्रॉप अ टेबल। यहाँ पे एसक्यूएल स्टेटमेंट आप देख सकते हैं कि ड्रॉप करने का है, ओके। और फिर यहाँ पे यस पे क्लिक कर चाहिए, यस कस्टमर टू टेबल ड्रॉप हो चुका है होगा, ओके। सो एक सिंपल सा वे था कि कैसे आप कोई भी डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, और कैसे टेबल को डेटाबेस के अंदर क्रिएट कर सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।